बोले बोलो बोल इनको बाहर ही करो। ये पहली इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद डायरेक्ट कार्रवाई सील हो जाएगा। ओके सर, ठीक है, चलो बाहर निकल। चलो 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 बाहर निकल। फर्स्ट चॉइस किड्स वेयर रमजान स्पेशल ऑफर अप टू 40% डिस्काउंट के साथ। इस लेटेस्ट कलेक्शन में हलीमा सुल्तान, शरारा पम्पलम गाउन, बॉयज फुल सूट, वेस्टर्न आउटफिट और भी बेहतर सर्विस, प्रीमियम क्वालिटी, सबसे सस्ता और अच्छा। रमजान में आपकी फेवरेट शॉपिंग की चॉइस सिर्फ फर्स्ट चॉइस किड्स वेयर। लॉकडाउन की वजह से दुकान बंद है, आप नीचे दिए नंबर पर कॉल करके ऑर्डर दे सकते हैं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। लॉकडाउन जैसे कड़े नियम 14 अप्रैल रात 8 बजे से महाराष्ट्र में लागू कर दिया गया है और आज लागू हुए नियम के पहले दिन की मुंब्रा की तस्वीरें कुछ अलग ही सामने आई है। जिन दुकानों को बंद रखने को कहा गया था वो दुकानें भी शहर में खुली हुई नजर आई, यहाँ तक कि दुकान के अंदर कस्टमर भी मौजूद थे। आज दोपहर के वक्त मुंब्रा पुलिस के संगम पाटिल अपनी टीम के साथ और मनपा के कर्मचारियों के साथ में डीजी वन शोरूम से लेकर कौसा जामा मस्जिद तक कार्रवाई की है। इस दौरान जिस तरह से सीएम उद्धव ठाकरे ने कड़क नियम, बिना वजह घर से निकल नहीं सकते, तमाम पाबंदियां लगाई गई थी, मगर ऐसा कुछ शहर में देखने को नहीं मिला। सामान्य रूप से सभी कुछ चल रहे थे। सब्जी, फल, दूध की दुकान, बेकरी, ये जरूरत की सामाने हैं जो दुकानें खुली हुई थी, मगर इन दुकानों के अलावा कुछ ऐसी दुकानें भी खुली हुई थी जिन्हें बंद रखने को कहा गया था, वो भी आधा शटर खोल कर रखे थे। डीजी वन शोरूम में इसके अलावा संगम ज्वेलर्स की दुकान में कस्टमर भी मौजूद थे। और भी शहर में मोबाइल शॉप, ज्वेलर्स की दुकानें, कपड़े की दुकानें खुली हुई थीं, मगर पुलिस ने बड़े अच्छे तरीके से इन दुकानदारों को समझा बुझा कर इनकी दुकानें बंद करवाईं। पुलिस ने कहा कि पहली बार समझा बुझाकर आपकी दुकानें बंद करवा रहे हैं, मगर दूसरी बार अगर आपकी दुकानें खुली हुई मिली तो इन दुकानों को सील कर दिया जाएगा और फाइन भी लगेगा। गलियों में भी कई दुकानें मोबाइल और कपड़े की खुली हुई थी जिन्हें पुलिस ने बंद करवा दिया। वहीं जामा मस्जिद के पास रोड के किनारे जो फल फ्रूट का धंधा हॉकर्स लगाते हैं उन्हें भी रोड के किनारे से हटवा दिया गया। और मुंब्रा में लॉकडाउन जैसे कड़े नियम का पालन सड़कों पर किस तरह से हो रहा है और पुलिस ने किस तरह से कार्रवाई की है। बोलो बोलो कौन है, उनको बाहर ही करो। चलो चलो बाहर आओ। Oh!
एक कस्टमर है क्या? चलो बाहर करो, कस्टमर है, कौन कस्टमर है बाहर? बाकी सब फ्रेश है, बाकी स्टाफ है स्टाफ है ना, आप स्टाफ है क्या? चलो और कौन है? तुम डायरेक्ट धंधे कर रहे हो, चलो आपका पीसी बंद कर दो, सब बंद है, तुम चालू कैसे कर रहे हो? ऐसा नहीं करने, गलत काम क्यों करते हो? फाइन भरना पड़ेगा भी, बोला फाइन कटे यार कारवाई करून टाका ना, तुमची जी आहे ती सरळ कारवाई करून टाका तुमची. अरे यार तेरे दुकान में मेंबर से नाटक झालेला आहे यार, झूठ मत बोल. नहीं नहीं सर, मैं वीडियो शूटिंग में हमने निकाला है सर, मैं अभी आया, मैं अभी अभी जस्ट आया. अब बाकी तो मालूम नहीं है क्या करता हूं सर जी, मैं आपके एक्सेप्ट आपके लिए अगर हम भी समझ सकते, लेकिन ऐसा मत. अरे इतना कोऑपरेशन कर रहे यार, थोड़ा ये करो ना, क्या करो, चलो जल्दी बाहर निकलो, चलो बंद कर. आप हम तुम्हारा फक्त इंस्ट्रक्शन देते हैं, साहब पण आले. पहली इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद डायरेक्ट कार्रवाई सील हो जाएगा. ओके सर, ठीक है, चलो बाहर निकल, चलो चलो बाहर निकल, चलो बाहर निकल पाटिल सर. एक